अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया कि जो लोग सक्षम हैं वे लोग रसोई गैस की सब्सिडी सरेंडर कर दें। कुछ लोगों ने छोड़ी भी और बाद में प्रधानमंत्री जी ने कानून बना के ही ये फैसला कर दिया कि जिनकी सालाना आमदन 10 लाख से ज्यादा है उन्हें ये सब्सिडी नहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री जी आपका आभार है, अच्छी बात है। जो लोग सक्षम है वो क्यों लें सब्सिडी, लेकिन इसके साथ ये भी तो सोचिए कि जो लोग सक्षम है वो आरक्षण क्यों लें, उन्हें आरक्षण का लाभ क्यों मिले। करोड़पति अरबपति जब आरक्षण का लाभ लेते हैं तो उसकी हानि किसे होती है? उसकी हानि गरीब को होती है, गरीब स्वर्ण को ही नहीं, गरीब दलित को भी होती है। आह्वान तो कीजिए कि जो लोग सक्षम है वे आरक्षण का लाभ न ले, छोड़ दे, सरेंडर कर दे, और देखें कितने लोग करते हैं, कितने अमीर दलितों के मन में गरीब दलितों के प्रति सहानुभूति है इसका तो पता चले। और फिर अगर नहीं करते हैं लोग सरेंडर तो फिर ऐसा ही कानून बनाइए कि जो लोग धनवान हैं, जो लोग सक्षम हैं, वो सब्सिडी की तरह ही आरक्षण का लाभ भी न ले। हिम्मत कीजिए मोदी जी, हर वर्ग में हर क्षेत्र में हिम्मत कीजिए, इसे केवल गैस की सब्सिडी तक सीमित मत रखिए।